अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ सादिया फरहान और मुझे उम्मीद है कि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ान में आप कोशिश कर रहे होंगे कि फ्राइड चीज़ें कम खाएं, हालांकि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि सबको ही बहुत पसंद है और रमज़ान के नाम से ही समोसे पकौड़े रोल तो ऐसे आम हो जाते हैं जैसे मुफ्त में कोई शरीनी बांट रहा हो। तो फिर भी हमें कोशिश थोड़ी सी करनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम वो उन चीज़ों की तरफ जाएं जो हमारी सेहत के लिए भी ठीक हो। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक चीज़ लेके आई हूँ, खालिसपुर। नाम ही देखें आप, खालिसपुर। मैं असल में वज़ीराबादी हूँ तो मेरा जो खय और है मैं उसमें बड़ा मसला है, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको इम्प्रूव कर सकूँ। तो मुझे ये रिसीव हुए हैं खालिसपुर के प्रोडक्ट्स और मैं आपको इनमें से चीज़ें दिखाती हूँ कि इनमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आप पैकेज के ऊपर देखें, लिखा हुआ है अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ खालिस प्रोडक्ट्स, 100% नेचुरल, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। और आज के दौर में किसी चीज़ में केमिकल ना हो, हम जो सब्ज़ियाँ खाते हैं उनमें केमिकल, हम जो फ्रूट्स खाते हैं उनमें केमिकल, फसलों में केमिकल, हर चीज़ में तो केमिकल है, तो कोई चीज़ केमिकल फ्री मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको ओपन कर रही हूँ, इस तरह से ही ओपन होगा और इसके अंदर चीज़ें देखें, क्या ही ज़बरदस्त पैकेजिंग है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए भी रखना चाहते हैं तो आप चेक करें, बहुत ही खूबसूरत। जिस तरह से इन्होंने ऊपर अपना बताया है उसी तरह से अंदर जो इसकी पैकेजिंग है वो भी बहुत ही लाजवाब है। तो मैं आपको एक एक करके इसमें से चीज़ें निकाल के दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले आप देखें, ये है यूकलिप्टस। क्या आपके टूथपेस्ट में यूकलिप्टस है? यानी कि सफ़ेदा, ये यूजली क्या होता है, ये होता है टूथपेस्ट में, ये सफ़ेदे की हनी है, यानी ये उस दरख्त से हनी उतारी गई है जो सफ़ेदे का था, ठीक है, प्योर है और ये कोल्ड एक्सट्रैक्टेड है। अब हर फॉर्म जो है, ये हर जो ये किस्म की जो शहद है उसमें उस दरख्त का एक फ्लेवर आता है, ये है देसी घी, खालिसपुर देसी घी 100% प्योर। और आप चेक करें, शक्ल से ही बहुत यमी लग रहा है और मुझे वैसे देसी घी बहुत ही पसंद है, घर पे भी हम बनाते हैं, घर पे जो दूध आता है उसके ऊपर जो बलाई आती है फिर उसकी उस बलाई को हम ग्राइंड करते हैं, जब वो फ्रीज हो जाती है ग्राइंड करते हैं फिर उसको गर्म करते हैं, तो इस तरह से देसी घी तैयार कर लेते हैं। अराइयों की लड़की हूँ, पता है सारा कुछ। अच्छा जी, ये है देसी शक्कर। तो आप ये चेक करें, ये वो सोडे वाली शक्कर नहीं है, ये असल शक्कर है, देसी शक्कर है। ये आप करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको सफ़ेद सफ़ेद नहीं नज़र आ रही। यूजली ये होता है कि हम जो बाज़ार से शक्कर लेके आते हैं उन्होंने उसके अंदर इतना मीठा सोडा यूज़ किया हुआ होता है, इतना रंग काट यूज़ किया हुआ होता है कि वो सफ़ेद हो जाता है। तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये ब्राउन ब्राउन ही है, ज़बरदस्त हो गया। अभी मैंने ये ओपन नहीं किया था, मैंने कहा मैं ओपन करने से पहले आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल। आजकल इसकी इतनी मांग है, हर बंदा एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल यूज़ करना चाहता है और उसकी बहुत ही डिमांड है, और अगर आपको असल मिल जाए तो क्या ही बात है। ये थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स के उन्होंने हमें मुझे गिफ्ट भेजे हैं ताकि मैं इनको यूज़ कर सकूँ और इनकी जो है चीज़ें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी बड़ी बोतल में भी ले सकते हैं। साथ ही आप ये देखें, बहुत खूबसूरत सा स्पून है, खालिसपुर का स्पून है, आपको कोई अलहदा से चम्मच यूज़ नहीं करना पड़ेगा ये शहद निकालने के लिए या घी निकालने के लिए। तो जनाब ये तो हो गया एक डिब्बा, सरप्राइज़ अभी बाकी है। ये इतना भारी है, ये चेक करें, मतलब मेरा तो दिल ही खुश हो गया ये देख के। अगर आपको कोई इस तरह का गिफ्ट दे दे तो आप तो खुशी से फूले नहीं समाते। ये आप चेक करें, ये सारी हनी की डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और मैं आपको ये चेक करवाती हूँ एक एक करके। ये है क्लोवर हनी,
नज़र आ रहा है आपको, प्योर एंड कोल्ड एक्सट्रैक्टेड है, सारे ही ये कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हैं। सिदर यानी ये बेरी के दरख्त का शहद है। फिर अगेन यूकलिप्टस, ये है अकेकिया हनी, ये उस दरख्त का जो है शहद है, यानी उस दरख्त पे जो शहद का छत्ता लगा होगा वहाँ से ये उतारा गया है। और इनके फ्लेवर्स भी वैसे ही हैं, और आपने एक चीज़ चेक की होगी कि हर शहद का कलर डिफरेंट है एक दूसरे से। और सबसे जो मुझे मज़े का लगा वो था फ्लोरा। एक तो मुझे फ्लोरा नाम ही बहुत पसंद है, मैं हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ती थी, जब अरेब्स की हिस्ट्री पढ़ती थी तो वहाँ पढ़ती थी फ्लोरा एंड फाना। तो ये फ्लोरा हनी यानी ये बहार, अब ये बहार का भी कोई दरख्त होता होगा या कोई पौधा होगा उसका ये शहद है। तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करिएगा, और जब आप यूज़ करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे ये गिफ्ट्स आए हैं, और अगर आप किसी को अच्छा गिफ्ट देना चाहें दिल से तो आप ये गिफ्ट्स भी कर सकते हैं। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।